जय महाकाली मां, जय शमशान है। दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। कजरी बनाने की विधि, आपने सुना होगा उल्लू की आंखों से कजरी बनाई जाती है। सुना होगा उससे गड़ा धन दिखाई देता है, कोई गुम गया हो वो दिखाई देता है, किसी का कुछ चोरी हो गया हो वो दिखाई देता है। आखिर ऐसा कैसी बनाई जाती है वो कजरी, कजरी बनाने की विधि क्या है? तो आज हम आपको उल्लू की नेत्रों से बनाई हुई कजरी की विधि लेके आए, जिसके किसी को भी आप हजारत कर सकते हैं। जो बच्चा उल्टा पैदा हुआ हो उससे आंख में लगा के आप उसको पूछ सकते हैं, वो आपको हर एक चीज बताएगा। तो करना क्या है आपको, कहीं से उल्लू पकड़ के ले आए, सुरक्षित जगह पर रख दें। दीपावली के समय या पुख नक्षत्र हो उसकी दोनों आंखें जो है आपको निकालनी है। तो आंखों का जो तरल पदार्थ होता है उसमें एक रुई की बाती बना लें और उसमें भिगो लें और सुखाकर इसकी बाती बना लें। किसी एक मिट्टी का चिराग ले लें, उसमें जो है तिली का तेल होता है, तेल भरकर ये उसमें बत्ती बना के रख लें और फिर उसको जलाएं तथा उसका जो है उस पर कटोरी ढक दें, उसका काजल बनाएं। इस प्रकार से वो काजल जो है आपका तैयार हो जाएगा और फिर किसी पुरुष को या स्त्री की आंख में वो काजल लगाएं। लेकिन वो जिसको आप आंख में काजल लगा रहे हो, वो स्त्री या वो बच्चा या लड़का या लड़की जो उल्टा पैदा हुआ हो, पैरों की तरफ से पैदा हुआ, क्या करें, उसकी हथेली में जो है चमेली का तेल लगा दें, ठीक है ना, और उसकी आंखों में वो काजल लगा दें और उससे कहें कि हथेली पर देखता रहे, एक टक वो उसमें देखता रहे। फिर उसको ऊपर से जो है कंबल है, कोई कंबल उसको उड़ा दे। हथेली में उसको देखने पर विचित्र किस्म की रोशनी दिखाई देगी, जो बड़ी ही अजनबी प्रकार की होगी। वो डरे ना, उस रोशनी में उसको विशेष प्रकार की विभूतियां, देव वगैरह दिखाई देंगे। फिर वो बच्चा जो है जिसको आंख में काजल लगाया है, जिसके हाथ में चमेली का तेल लगाया है, तो उससे जो देव दिख रहा है उससे पूछेगा, जो भी वह पूछेगा वह वही बताएगा। कंबल में जो बैठा है वह जो है जमीन के 3 गज नीचे देख सकता है, कहां गड़ा हुआ धन है, गुमशुदा वस्तु देख सकता है, यदि कोई वस्तु गुम गई है, सोना चांदी जमीन में गड़ा है वो देख सकता है। वो जो हाथ में देखता है उसको हर कुछ नजर आता है। कंबल ढाक बंद हुए कमरे में जो बैठा है वो उसको आते जाते बच्चे हैं, गाड़ियां हैं, फूल है, पक्षी है, पशु है, स्त्रियां हैं, सब कुछ दिखता है। उसको ये भी मालूम चल जाता है कि भाई उसका नाम क्या है, कहां से आया है, कौन से गांव से आया है, कहां जा रहा है। तो ये हजारत करने की विधि है, ये कजली बनाने की विधि है, बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल है। जय माता दी। दोस्तों, जय।